नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। ओडिशा स्वास्थ्य विभाग ने निकाली रिक्तियां। ओडिशा स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल ऑफिसर असिस्टेंट सर्जन के कुल मिलाकर 2452 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास MBBS की डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 25 मार्च 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट www.opsc.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। बिहार रेजिमेंट सेंटर में 201 जवानों को दिलाई गई शपथ। बिहार रेजिमेंट सेंटर के ऐतिहासिक ड्रिल मैदान में मंगलवार को 176 बैच के 201 जवानों का भव्य पासिंग आउट परेड का आयोजन करवाया गया था, जिसके तहत राष्ट्रीय ध्वज, रेजिमेंट ध्वज, धर्म ग्रंथ गीता, बाइबल और कुरान को साक्षी मानकर जवानों ने देश की रक्षा की शपथ ली। पासिंग आउट परेड में रंग रूटों ने हांका द्वार से कदम मिलाते हुए ड्रिल मैदान पहुंचे, जिसके बाद 9 महीने के कठिन प्रशिक्षण के बाद सेना में शामिल करने के लिए आयोजित दीक्षांत समारोह में जवानों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। मैदान में उपस्थित रंग रूटों के चेहरे पर सेना का हिस्सा बनने की खुशी झलक रही थी। नव प्रशिक्षित 201 जवानों ने सेना बैंड की धुन पर पासिंग आउट परेड किया। महिला उद्यमियों को अब मिलेगा अपना ई कॉमर्स वेबसाइट। प्रदेश में महिला उद्यमियों के उत्थान के लिए अहम कदम उठाया जा रहा है। उचित मार्केट उपलब्ध नहीं मिल पाने के कारण उनके उत्पादों को सही मूल्य मिल पाना भी काफी मुश्किल लग रहा था। यही कारण है कि उनके उत्पादों को सही पहचान नहीं मिल पाती है। महिला उद्यमियों की इन समस्याओं को दूर करने के लिए बिहार महिला उद्योग संघ द्वारा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की शुरुआत की जा रही है। बिहार महिला उद्योग संघ की अध्यक्ष उषा झा ने इस बात की जानकारी दी है और बताया है कि उचित मार्केट उपलब्ध नहीं हो पाने के चलते महिला उद्यमियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब उनकी मुश्किलें दूर होने वाली हैं। बिहार महिला उद्योग संघ ने उनके उत्पादों को उचित दाम दिलाने के लिए ई कॉमर्स वेबसाइट लॉन्च करने जा रही है। बिहार लोकायुक्त अधिनियम में जल्द संशोधन। अक्सर देखा गया है कि लोग किसी को भी फंसाने के लिए कोई भी केस मुकदमा कर देते हैं। हालांकि अब ऐसे लोगों पर नकेल कसने की तैयारी शुरू हो गई है, जिसके तहत अब किसी और को फंसाने वाले पहले खुद फंसेंगे। इसको लेकर बिहार लोकायुक्त अधिनियम में संशोधन देखने को मिलने वाला है। इतना ही नहीं, झूठी शिकायत करने वालों को भी सजा दी जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार जानबूझकर या दुर्भावना की झूठी शिकायत का दोषी पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति को सजा भुगतनी होगी और जुर्माना भी देना पड़ेगा। झूठी शिकायत का समाधान करने के दौरान लोकायुक्त कार्यालय का काफी समय बर्बाद होता है। ऐसे में इस समय को बचाने के लिए ही अधिनियम जल्द संशोधन किया जा रहा है। बिहार लोक सेवा आयोग ने खनिज विकास अधिकारी भर्ती को लेकर जारी की अहम सूचना। बिहार लोक सेवा आयोग ने खनिज विकास पदाधिकारी लिखित परीक्षा से संबंधित उम्मीदवारों के लिए जरूरी सूचना जारी कर दी है। इसको लेकर आयोग ने अपने नोटिस के माध्यम से बताया है कि अभ्यर्थियों के प्रवेश वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। कुछ अभ्यर्थियों का उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए फोटो एवं हस्ताक्षर का इमेज अस्पष्ट और रिक्त है। ऐसे उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित कागजात परीक्षा की निर्धारित तारीख 27 फरवरी 2021 संबंधित परीक्षा केंद्र के केंद्राधीक्षक को समर्पित करना सुनिश्चित करें। आयोग के नोटिस के अनुसार अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध घोषणा पत्र को भरकर सुधार कर सकते हैं। लालू से जुड़े मामले में बचाव पक्ष को गवाह प्रस्तुत करने का मिला आखिरी मौका। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत ने सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष को गवाह प्रस्तुत करने का अंतिम मौका दे दिया है। के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से जुड़े चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले में बचाव पक्ष को अपने पक्ष में गवाह उतारने का अंतिम मौका अदालत ने 26 फरवरी तक का मोहलत दे दिया है। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को बचाव पक्ष ने अपने बचाव में 2 गवाही कराई। मामले में अब तक बचाव पक्ष की तरफ से 25 गवाही दर्ज कराई गई है। मालूम हो कि डोरंडा कोषागर में 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी से जुड़े मामले में लालू प्रसाद समेत 110 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे हैं। सीबीआई ने प्रारंभ में 170 लोगों को आरोपी बनाया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर एक खेत तक बिजली पहुंचाने की कही बात। विधानमंडल में राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद के बाद सरकार का जवाब देने के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सरकार ने अपने संकल्प के अनुरूप हर घर तक बिजली पहुंचाई है, अब हर खेत तक बिजली पहुंचाई जाएगी। इस बाबत उन्होंने आगे कहा है कि जब हम लोग सत्ता में आए तो बिहार में 700 मेगावाट बिजली खपत थी, अब यह खपत 5932 मेगावाट है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा बिहार में सबसे महंगी बिजली के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी बिहार में 4.5 रुपये प्रति यूनिट बिजली मिल रही है, जो महंगी है, इसलिए हमने नीति आयोग की बैठक में वन नेशन वन रेट का सुझाव दिया था। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 2016 में जब लोक शिकायत निवारण कानून बनाया गया तो सबसे ज्यादा शिकायत बिजली बिल को लेकर आ रही थी, इसलिए हमने प्रीपेड मीटर लगाने की व्यवस्था की। कोरोना संक्रमण को लेकर मुख्य सचिव ने अधिकारियों के साथ की बैठक। कोरोना संक्रमण को लेकर बिहार सरकार अलर्ट मोड में काम कर रही है। इसको लेकर ही मुख्य सचिव ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। इस बैठक में यह फैसला लिया गया है कि अब जो RT-PCR किया जाएगा उसके बाद पता किया जाएगा कि मरीज बाहर से आया है
या नहीं। इसके बाद माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा, मतलब कि छोटे कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे और सभी की आरटीपीसीआर जांच करवाई जाएगी। वहीं बिहार में मास्क अभियान कल से विशेष तौर पर चलाया जाएगा, वहीं वाहन जांच भी की जाएगी जबकि वैक्सीनेशन की भी समीक्षा की जाएगी। नीतीश पर माले विधायक ने की अमर्यादित टिप्पणी। बिहार की राजनीति लगातार गरमाई नजर आती है, आए दिन बयानबाजियों का दौर भी देखने को मिल जाता है। इसी क्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर माले विधायक अजीत कुशवाहा ने अमर्यादित टिप्पणी की है। सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए माले विधायक ने यहां तक कह दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इलाज की जरूरत है। सदन में विपक्षी सदस्यों का सवाल सुनकर उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। बक्सर जिले के डुमराव सीट से विजय माले विधायक अजीत कुशवाहा ने कहा है कि कोई भी विधायक गलती से नहीं जीतता है। किसी भी विधायक को गलती से जीतना कहना ये जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। रुपेश मामले में वकीलों ने पुलिस से पूछे सवाल। राजधानी पटना के चर्चित इंडिगो मैनेजर रुपेश सिंह मामले में अभियुक्त ऋतुराज की नियमित जांच अर्जी पर सुनवाई हुई। अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह सब जज 4 ने सुनवाई की है और पुलिस से इस कांड की केस डायरी की मांग भी की है। इसको लेकर अब पटना पुलिस की परेशानी बढ़ी हुई है। अभियुक्त के वकील सूर्यप्रकाश सिंह ने नियमित जमानत अर्जी पर बहस करते हुए कहा है कि पटना पुलिस के एसएसपी गठित एसआईटी के अधिकारियों को 2 फरवरी को ही यह जानकारी और साक्ष्य मिल गए, तब इस कांड के अनुसंधानकर्ता सह शास्त्री नगर थानेदार ने 12 दिन बाद अभियुक्त को क्यों रिमांड कराया है। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार की कनाडा में भी की गई तारीफ। सुपर 30 के संस्थापक एवं शिक्षक आनंद कुमार के प्रेरक कार्य की शिक्षा के एक सफल मॉडल के तौर पर उनकी उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए कनाडा के एक सांसद ने उनकी तारीफ की है। ब्रिटिश कोलंबिया में मैपल रिज और पिट मीडोज के सांसद मार्क डाल्टन ने संघीय जिले के शिक्षा परियोजनाओं का ब्यौरा देते हुए कहा कि सुपर 30 के प्रेरक कार्य समाज के वंचित वर्ग के छात्रों की भारत के प्रमुख संस्थानों तक पहुंचने में सभी बाधाओं को दूर करने में मदद कर रहे हैं। डाल्टन ने कहा है कि मैपल रिज के निवासी बीजू ने कुमार पर एक किताब लिखी है जो बिहार में जन्मे गणितज्ञ है और यह शिक्षाविदों के लिए बहुत प्रेरणादायक है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, सुपर 30 एक अत्यधिक प्रशंसित शैक्षिक कार्यक्रम है जिसकी स्थापना कुमार ने की है। हाईकोर्ट में बनेगा पालना घर। पटना हाईकोर्ट में वकील अपने छोटे बच्चों के साथ अब आसानी से आ जा सकेंगे। इसको लेकर कोर्ट परिसर में ही पालना घर बनाने का फैसला लिया गया है। वकीलों की कार्यावधि में इस पालना घर में परिवार वाले रह सकेंगे। इसके साथ ही वहां वाहन पार्किंग, बैंक सूचना केंद्र, रेल टिकट आरक्षण केंद्र का निर्माण भी करवाया जाएगा। इन जरूरतों को पूरा करने के लिए हाईकोर्ट परिसर में बहुउद्देशीय भवन का निर्माण कराया जाएगा। प्रदेश सरकार ने साल 2021-22 के बजट में इन कार्यों को करने के लिए 21.54 करोड़ रुपए की राशि का वैध कर दिया है। इसके साथ ही सरकार ने बजट में ऐलान किया है कि राज्य के विभिन्न जिले अनुमंडल व्यवहार न्यायालय से भभुआ, देहरी, बेनीपट्टी, सुपौल, निर्मली, वीरपुर, महनार, खड़गपुर, मधुबनी, झंझारपुर, सासाराम, दरभंगा, बेनीपुर, रोसरा, मधेपुरा और उधा किशनगंज में 200 कोर्ट रूम भी इस वित्तीय वर्ष में बनाए जाएंगे। देश में कोरोना के मामलों में फिर देखी जा रही है बढ़ोतरी। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या अब बढ़ती दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 13,742 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 1,30,176 पर पहुंच गई है। वहीं बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर 104 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 1,56,567 पर पहुंच गई है। वहीं अब तक पूरे देश में कोरोना का प्रभाव कम होता देखा जा रहा है। जिस तरह से बीते कुछ दिनों से कोरोना के नए मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है, आपको बता दें कि भारत में अब तक कुल मिलाकर 1,07,26,702 मरीज ठीक हो चुके हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अब भारत में 1,46,907 सक्रिय मामले बचे हैं। प्रेगनेंसी के अफवाहों पर प्रियंका ने दिया जवाब। इन दिनों प्रेगनेंसी को लेकर प्रियंका चोपड़ा के निशाने पर थी, जिसके तहत लगातार प्रियंका की प्रेगनेंसी को लेकर कई तरह के अफवाहें सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही थी, जिसके तहत प्रियंका ने अब इन सभी मुद्दों पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है और खास अंदाज में अफवाहों को लेकर अपना जवाब दिया है। जिसके तहत प्रियंका ने अपने लेटेस्ट इंस्टाग्राम स्टोरी में शेयर की गई तस्वीर के जरिए प्रेगनेंसी की अफवाहों को नकार दिया है। इन लेटेस्ट फोटोज में प्रियंका पूरी तरह फिट और हेल्दी दिखाई दे रही है। दरअसल प्रियंका चोपड़ा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्टोरी में अपने डॉगी के साथ 2 तस्वीरें शेयर की थी। इन फोटोज में प्रियंका अपने डॉगी के साथ लंदन की सड़कों पर वॉक करती हुई दिखाई दे रही थी। ईशांत शर्मा की तारीफ में विराट कोहली ने कही बड़ी बात। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच आज खेला जा रहा है, जिसके बाद आज से शुरू हुए यह मैच में भारतीय टीम के तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा के लिए बेहद ही अहम माना जा रहा है, क्योंकि ईशांत शर्मा का यह 100वां टेस्ट मैच है। वहीं उनके इस पारी को लेकर अब भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने भी बड़ी बात कही है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि ईशांत ने मेरे साथ स्टेट क्रिकेट की शुरुआत की थी। जब वो इंडिया के लिए चुने गए थे तब सो रहे थे, मैंने उन्हें धक्का देकर यह जानकारी दी। हम दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर विश्वास कर
करते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि तेज गेंदबाजों में ऐसा रेयर दिखता है। ईशांत व्हाइट बॉल क्रिकेट को तरजीह दे सकते थे पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसका पूरा क्रेडिट उन्हें ही जाना चाहिए। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले मैच में किस टीम का पलड़ा ज्यादा भारी लग रहा है? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।